फर्स्ट है रास, ठीक है। रास का मतलब कि मैं एक ठीक हो जाना, कि मैं नो वाली चीज रास आ चुकी है, ठीक है। अगर किसी ने वर्ड का मीनिंग पता होएगा वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है। रास हुंदा कि ठीक, मैनू ये वाली चीज रास आ चुकी है, ठीक है, या मैनू उसकी बीमारी रास आ चुकी है, मैनू उसकी रास मिल चुकी है, ठीक है। एक है माल, कि साड़ी दुकान विच लखां रुपया का रास पिया होया है, माल जिन्हों आप कहने बहुत ज्यादा क्वांटिटी दे विच, ठीक है। सो ठीक, माल, सुबह मिलना। सुबह मतलब किसी की नेचर, जिदा मेरी अपने घर दे नाल बहुत ज्यादा रास रलदी है, ठीक है, या मेरी अपने दोस्त दे नाल बहुत ज्यादा रास रलदी है। रास मतलब कि उनका सुभाव, नेचर ओदे नाल बहुत ज्यादा मिलदी है, ठीक है। एक नाच या नाटक, जिसका आप कहने रास लीला, ठीक है, रास लीला जड़ी इन्हां दिनां दे विच खेडी जांदी है, उनू भी आप कहने हां, राइट। सो एदे केड़े केड़े ने वर्ड, ठीक, माल, सुभाव मिलना, नाच या नाटक, ठीक है, इना दे अर्थ लिख लो, राइट। अगर किसी नु कोई डाउट होएगा तो हाथ खड़ा कर दियो। नेक्स्ट है राज, पहला सी राज, फिर है राज। राज एक ना वैसे स्टेट नु आपा बोलते हैं प्रांत, ठीक है। ते दूसरा राज, कि मैं उस घर पे बहुत ज्यादा राज किया, ठीक है। राज मतलब कि अपना हुक्म चलाया, ठीक है। एक राज की हुंदा है सुख, एक राज हुंदा है मैं किसी ते हुक्म चलाया उते मेरा बहुत ज्यादा राज है। एक हुंदा राज की उन्हें उस घर दे विच बहुत ज्यादा राज किया है, उन्हें बहुत ज्यादा सुख माणिया, ठीक है। ये दो ही ने। अगर किसी नु होर कंदे आंदा होएगा या थोड़े को पुरानी बुक पई होएगी ओदे विच कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे तो मैनु दस दियो, ठीक है। नेक्स्ट लड़, लड़ आंदा किसी नु लड़दा, एनीवन, अमृत, मेहुल, निष्ठा, लड़। एक लड़ झगड़ना, कि वो मेरे ना बहुत ज्यादा लड़ रहा है, ठीक है। एक तो हो गया झगड़ना, दूसरा हो गया लड़ना। लड़ना मतलब कि कोई जिस तरह मधुमक्खी है, ठीक है, वो थोड़े लड़ गई, या कोई कीड़ी लड़ गई, वो वाला लड़ हो गया, ठीक है। थर्डली लाड़ कहते आपा, जिस तरह चुन्नी का हुंदा ना किनारा हुंदा है, चुन्नी का लाड़ उन्हों आपा कह रहे हाँ, ठीक है। एक लाड़ हुंदा है किसी दे नाल, मतलब आपा ओदे लाड़ बन दिंदे आ, जिस तरह आपा मैरिड लड़की है उन्हों आपा कह रहे हैं कि असी तेनू ओदे लाड़ लगा दिता, मतलब ओदे आपा तेनू हवाले कर दिता, वो हुण तुहाडी जिम्मेदारी है, ठीक है। एक हो गया डंग मारना, मच्छर लड़ रहा है, ठीक है। एक है पगड़ी का लड़, राइट, ये पगड़ी का लाड़ जरा अपना वो ठीक कर लो, जरा पिछों की किनारा जहा हों। एक है झगड़ना, मेरे नाल बहुत ज्यादा लड़ रहा है, ठीक है। एक है पल्ला, धी ने लाड़े को पल्ला दिता, ठीक है, क्योंकि जो मैरिज होंगी है तो लड़ फड़ाया जाता ना, वो जो किया जाता लावा लिया जाए, तो भाई जी बोलते हैं कि कुड़ी का जड़ा है मुंडे का लड़ है वो कुड़ी को दिता जाए, ठीक है। सो लड़ मीन्स पल्ला। यस रिशित, मैम एक दुआले हो सकता है, दुआले, लड़दा दुआले, लड़ उस दे लड़ लग गया। लग गया, दुआले नहीं बेटा, वही उन्होंने कहने कि वो दे जिम्मेदारी बन गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया, ठीक ओके मैम, है। ओके, सो लड़दा की है एक डंग मारना, ठीक है, पगड़ी दा लड़, झगड़ना या पल्ला, जेड़ा तुसी रिशित कह रहे हो ना वो है पल्ला, जो तुसी कहने हो उस दे लड़ लग गया, मतलब वो दे पल्ले पै गई, या मतलब ओनू एक चुन्नी का लड़ पड़ाता, ओ आज तो बाद में जड़ी कुड़ी है हुण वो मुंडे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है लावा, काफी बच्चा नू एदा एक वर्ड का पता ही होएगा लावा, ठीक है, जड़ी आपा गुरु घर लैने हाँ, ब्याह टाइम लैने हाँ लावा, ओके, फेरे जो आप कह रहे हाँ चार लावा लिया, ठीक है। फिर लावा मतलब मारना, जिसका आप कहने हैं कि मैं तेरे दो चपेड़ा लावा, उन्होंने भी आप कहने हैं मारना, ठीक है। एक है रस्सियां,
ਰੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੰਜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲਡਿੰਗ ਬੈੱਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੁਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਣ ਵਾਲਾ ਮੰਜਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਲਡਿੰਗ ਬੈੱਡ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 3 ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੇਰੇ, ਇੱਕ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ 105, ਵੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਮੀ, ਹੁਮਸ ਕਿ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਟ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਕਿਨਲੀ ਵੱਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ, ਪੇਟ ਸਟਮਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਟ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਵੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਲਵਟਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਭੰਨ ਭੰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਪੈ ਗਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਲਵਟਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਟ ਬੰਨਾ ਮੋੜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਟ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੇਮੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਮੀਆਂ ਵੱਟਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਟਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਹੁਮਸ, ਰਾਈਟ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਮਸ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ, ਇੱਕ ਵੱਟਣਾ ਸੇਮੀਆਂ ਵੱਟਣਾ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਟ ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਮਾਉਣਾ, ਕਮਾਉਣਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਉਹਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਵੱਟ ਲਏ ਜਾਂ ਉਹਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਟ ਲਏ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਨ, ਭਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਲਵਟਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਲਵਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਭਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੱਟੀ, ਵੱਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਟੀ, ਵੱਟੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੇਮੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ, ਵੱਟ ਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਵੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਟੀ ਮਤਲਬ ਬੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਤੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੱਤੀ ਵੱਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੱਟੀ ਮਤਲਬ ਕਮਾਈ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਅਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਨਕਮ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਸੀਸ ਵੱਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਸੀਸ ਵੱਟੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਹਿ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 4 ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਤੀ, ਕਮਾਈ, ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਤੇ ਵੱਟੀ। ਇੱਕ ਵੱਟਣਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰੱਸੀ ਵੱਟੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਸੇਮੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੰਡ, ਵੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੰਡ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵੰਡ ਪਾਉਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਵੰਡਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਰਿਟੀ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਖਲ ਵੜੇਵੇਂ,
ਵੜੇ ਮੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਸਹੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੰਡ ਖਲ ਬੜੇ ਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਲ ਗੋਲ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਹਨ ਖਲ ਬੜੇ ਮੇ, ਵੰਡਣਾ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਮਹੀਨੇ, ਇੱਕ ਵੰਡ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੰਡ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਲ, ਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲ ਮਤਲਬ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਲ। ਇੱਕ ਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੇਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਬਲ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਵੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਲ ਦਾ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਵੇਲ, ਲਾਸਟ ਵੇਲ, ਲਾਸਟ ਵੇਲ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਵੇਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੌਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਚੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੌਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ, ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਲ ਕਰਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਿਊਲੀ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਵਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੇਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਲਣਾ, ਵੇਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ 3 ਨੇ, ਇੱਕ ਪੌਦਾ, ਵਾਰਨਾ ਤੇ ਵੇਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਹੋ ਗਏ 1-10। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ 10, ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ, ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਰਾਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਐਨੀਵਨ ਕੈਨ ਸੀ? ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ ਰਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ ਰਲ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਅ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁੱਖ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੜ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਮੱਛਰ ਲੜ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੱਛਰ ਲੜ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਲੜ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਲੜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲੇ ਲੜ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਲੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ, ਸੋ ਲੜ ਪਿਆ ਦਾ ਝਗੜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਝਗੜਨਾ, ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੱਲਾ, ਓਟ, ਸਾਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਮੱਛਰ ਲੜ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਲੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਨਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਲਅਪ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਡੈਸ਼ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮੱਛਰ
डैश फिर की आएगा लड़ गया या डंग मार गया, ठीक है इस तरह लिख सकते हो। या तीसरी फॉर्म के विच आ सकता है कि एदे विचो भी या इनु आपा साथ में कट के एदी जगह के असी राग लिख दईए, ठीक है फोर्थ ऑप्शन। या दस सकता है कि हेठ लिखा विचो भी केड़े लड़ शब्द का वह अर्थक शब्द नहीं है, ठीक है। सो तुसी सोचना बिकॉज थोड़े पेपर जो तुसी प्रोडक्ट टेस्ट दिता से उस विच काफी बच्चों के बहुत अर्थक की गलत सन, एदे विचो तो देखना है कि झगड़ना भी है डंग भी है पल्ला भी है तो केड़ा नहीं है राज नहीं है, तो राइट आंसर इज राज, ठीक है इस तरह भी आ सकता है। या आ सकता है कि सही बहुअर्थक शब्द चुनो, चार पांच तरीकों के नाल तुहानूं बहुअर्थक शब्द आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लावा, लावा मतलब एक तो मारना, ठीक है एक फेरे और दूसरा रस्सी, रस्सी जिहड़ी मजबूत कीती जांदी है, ठीक है। नेक्स्ट है वट, ये काफी सारे मैं तुम्हें दसे ने, वट मतलब एक तो रस्सी वटना, एक हुमस, ठीक है एक पान कपड़े वट पै गया, क्लियर, एक कमाना बनना, ठीक है और जोर दी मारना, राइट। नेक्स्ट वट्टी, वट्टी का की सी बत्ती, बत्ती वट्टी, ठीक है एक हो गया कमाई, एक दुख सहना, ठीक है या वटना। नेक्स्ट वंड, वंड का वार रह गया, ओके आप एक नहीं किया बेटा, ठीक है साडा छूट गया वार, राइट। सो वार का मतलब की होंगे है एक दिन, जिस तरह अच मंगलवार है, ठीक है बुधवार वीरवार दिन हो गया, एक वार होंगे वारना, राइट, जिस तरह उन्हें मेरे को पैसे वार के सुट दिते, एक वारना हो गया, ठीक है। या वारी आ गई, मेनू पहली वो मेनू पहली बारी मिलिया सी, ठीक है या मेनू दूसरी बारी मिलिया, एक बारी मतलब टर्न तीन बारी मिलिया, एक दिन एक वारना मतलब फेर फेरना, एक हमला उन्हें मेरे से बहुत जोर दी वार किया, ठीक है हमला। फिर एक वार हुंदी है जिस तरह चंडी दी वार सुनिया होगा तुसी, फिर गुरु गोबिंद सिंह जी की लिखी हुई है वारा, या जिहड़े ढाडी जत्था हुंदे ने ना वो वारा गांदे ने, ठीक है मतलब वो वीर वीर दी हुंदी, वीर रसी वारता, उहदे विच वीर रस हुंदा है, उहदा मतलब हुंदा बहुत जोश दे नाल, उह जिस तरह एक कविता हुंदी है उदां ही एक वार हुंदी है, उहनूं बहुत जोर दे नाल गाया जांदा, बहुत उत्साह दे नाल गाया जांदा, ठीक है। एक वार मतलब फेर, इको ही वार लाया है कि मतलब मैं यह काम इको ही वार किया है, मैं दोबारा ये वाला काम नहीं करांगा, ठीक है। तो ये साडा छुट गया सी, ओके। सो नेक्स्ट है वंड, वंड मतलब वंडना, एक अलग कर देना एक थल बने में जड़े आप मझां गावां नूं पांदे हां, ठीक है। नेक्स्ट इज वल, वल मतलब पासे बेल, ठीक है। नेक्स्ट बेल, बेल मतलब एक पौधा वारना या वेलना, ठीक है। आपां लास्ट टाइम रिवाइज कर लैंदे आ तुहाडे प्री बोर्ड तों पहलां, ओके। तो कहानी कुल्फी, एदा कहानीकार है सुजान सिंह, ठीक है। कभी कहानीकार बारे भी तुसी पढ़ना है, ठीक है। जिन्निया भी आपां काव्य रचनावां कीतीआं उहदे विच मैं तुहानूं हर एक दे बारे विच बहुत सारे क्वेश्चंस लिखवाए ने, तो उन्होंने भी एक बार देख पाए हो। सुजान सिंह बारे भी मैं तुहानूं बहुत सारे क्वेश्चंस लिखवाए ने, ठीक है इनू भी एक बार देख लियो, क्लियर है। सो सब तो पहला तुहानूं कहानी बारे प्रॉपरली पता होना चाहिए है, तुहानूं क्वेश्चन कितों भी आ सकता है तो तुसीं कर सकते हो, ठीक है। ये भी ऑप्शनस ने, इको ही कहानी है, ठीक है दूसरी होर कोई कहानी नहीं हैगी तुहाडे फिलहाल दे स्टेटस दे विच। सो कुल्फी कहानी की जिहड़ी घटना है पहला तो वह कि टाइम की है, सवेर की है शाम की है दोपहर की है या रात की है, ठीक है। सो ये कहानी है दोपहर की, जिथे लेखक जोड़ा है वह अपने मंजे उत्ते सप उत्ते लेटिया होना है, ठीक है। तो वह जोड़ा बेटा है काका है वह आता है, ठीक है, और वह पहला करता है कि मंग करता है कि मैनू मुरमुरा लैके दो, ठीक है। ते क्योंकि कहानीकार जिहड़ा है उहदी सारी दी सारी जिहड़ी सैलरी है वह खत्म हो जाती है, और तरीक है 26 तरीक, ठीक है, और महीना है जून है 26 जून, ठीक है, एम आई राइट, 26 जून ही है ना,
क्लियर। सो महीना है महीना जून का, तारीख है 26, क्योंकि वह बहुत ज्यादा उसकी आर्थिक स्थिति इन्नी ज्यादा नहीं वधिया, ते उदी जिहड़ी सैलरी है वह पहले ही हफ्ते 10 दिन विच खत्म हो जाती, तो इस टाइम तक उसके कोई भी पैसा नहीं होंदा। फिर वो अपने बेटे नूं की करता है, मुरमुरा लैण तों वह मना कर दिंदा है, ठीक है। ते वह कहता है कि मुरमुरा जिहड़ा उहदे नाल खंघ आउंदी है, तो ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। उस तो बाद विच उहने अपने पिता दे नाल कंपेयर किया है कि चाहे लेखक जिहड़ा है उहदी इनकम जिहड़ी है सैलरी है अपने पिता नालों कितने वध है, तो अपने पिता नालों कितने ज्यादा पढ़िया लिखा है, पर फिर भी वह कहता है कि जिनी इनकम वधी जाती है उन्नी बंदे की जिहड़ी सैटिस्फैक्शन है वह घटती जाती है। पहली गल करता है एक परसन का नाम आया सी मुसद्दी राम के छोले, ठीक है, वह धेले के छोले भी नहीं सी मुकते होंगे, ठीक है। तो वह कहता है कि हूँ मेरी चाहे सैलरी जी है अपने पिता नालों वध है, पर मैं फिर भी अपने बच्चे दी ख्वाहिशां पूरियां नहीं कर सकता, ठीक है। उस तो बाद विच फिर कुल्फी वाला आंदा है, वह कुल्फी भी नहीं लैके दिंदा, उन्हें अपने बच्चे नूं कहिंदा है कि मैं तैनूं कुल्फी जिहड़ी है वह बाद विच लैके दे दवांगा, ठीक है। उन्हें शाम का लारा लाता है, शाम को फिर अगला दिन आ जाता है, इस तरह करके 2-3 दिन चले जाते हैं, ठीक है। फिर वह कहता है कि उसे अपनी एक मानसिक स्थिति बयान करता है, ठीक है। मानसिक स्थिति बयान करते हुए वह कहता है कि मैं जिहड़ा अपना मालक है जिथे मैं काम करता हाँ उन्होंने मैं यही नहीं कह सकता कि मेरी इनकम जिहड़ी है वधाई जाए, क्यों, क्योंकि उन्होंने कढ़े जान का नौकरी तो कढ़े जान का बहुत ज़्यादा दुख हुंदा है, ठीक है। उन्होंने डर लगता है, उत्थे उन्हें लिखा सीगा कि हवालाती तंगी तो भी भैड़ी हुंदी है पैसे की तंगी, ठीक है। तो उन्होंने अपने भविख खतरे विचों नहीं पा सकता, इसलिए वो नहीं कहता। और दूसरा सीगा कि उहदे नाल कोई भी होर ज़्यादा कुलीग जिहड़ा है उहदा साथी जिहड़ा है वह भी नहीं खड़ा हो सकता, ठीक है। फिर उस तो बाद कि वह अपने बेटे की जिद पूरी करने के लिए अपने दोस्त तो 3 रुपए लैंदा, ठीक है। अपने दोस्त तो वह 3 रुपए लैंदा आ, 3 रुपए लैंदा, उन्होंने लगता है कि मैं अपने बेटे को जिहड़ी है कुल्फी दे देवांगा, पर उहदी पत्नी, ठीक है, उहदे तो रुपए जिहड़े मुछ लैंदी आ, खोह लैंदी है, उहनूं सारा ही राशन गिना दिंदी है कि मल्ले थले वह रसोई का सारा समान मैं हले लैना है, ठीक है। तो उहदे कोलों पैसे ले लैंदी आ। फिर उहदे बेटे नूं लारा लाउंदा है कि कोई गल नहीं मैं तैनूं सवेर नूं दे दूंगा। इदां ही काका लारिआं दे विच 2-3 दिन रहिण लग पैंदा, फिर उह सुपने विच वी बुड़बड़ाउंदा है कुल्फी कुल्फी, ठीक है, पर उहनूं कुल्फी उहनूं लै के नहीं दिंदा। एंड मूमेंट ते जदों उह फिर घर आउंदा उह देखदा है कि जिहड़ा काका है उह किहदे नाल खेड रिहा हुंदा है, इक पाटी बत्तख दे नाल, ठीक है, उहदे नाल खेड रिहा हुंदा है। ते काका कोई प्रतिक्रिया नहीं जताउंदा, काका बड़ी चुप चाप खेड रिहा हुंदा, उह कुल्फी दी डिमांड भी नहीं करदा। इन्ने नूं जिहड़ा कुल्फी वाला है उह गली दे विचों दी निकलदा है, ठीक है। ते काका जिहड़ा अपने पिता नूं दस्से बिना ही कुल्फी खाण लई जांदा, जिहड़ा कुल्फी वाला हुंदा उहनूं धक्का दिंदा आ। फिर इहदे विच ही जिहड़ा शाहां दा मुंडा है उह वी आ जांदा, जिहनूं की कहिंदे हन बुली कहिंदे हन, ठीक है। बुली मतलब क्योंकि उह शाहां दा मुंडा है, अमीर है, ते उह दूसरिआं ते बहुत ज्यादा रोब रखदा है, ठीक है। और बुली दी उमर किन्नी है, बुली दी उमर एनीवन, कोई दसेगा बुली दी उमर किन्नी है? यस जसलीन मैम 8 साल दी है। ओके 8 साल। ते काके दी उमर किन्नी है? उस तो 3 साल घट 5 साल दी है। 5 साल, ठीक है। 3 साल जिहड़ा बुली है शाहां दा मुंडा है। ओके वेरी गुड, ओके गुड ध्रुव मेहता, ठीक है। काकी दी उम्र 5 साल है, वह 3 साल बुली तो छोटा है, ते बुली 3 साल तो वड्डा है, ठीक है। उहनूं धक्का दिंदा आ, ठीक है। ते एंड विच एंड ते तुहानूं इह वी पुछिआ जा सकदा है कि काकी नूं पहला धक्का कौन दिंदा है, ठीक है, बुली दिंदा है या कुल्फी वाला दिंदा है, राइट, वह भी तुहानूं पुछिआ जा सकदा है, ठीक है। फिर बाद विच जिहड़ी शाहां दी पत्नी हुंदी है, शाहणी हुंदी आ, उह काके कोल आउंदी आ, काके दे घर आउंदी आ, ते काके दी मां नूं उलांभा दिंदी है। ते काके दी मां फिर इह वी क्वेश्चन बन सकदा है कि कौन स्पीड लैके उहदे अगे होया, काके दी मां, ठीक है। ते उह फिर बाद विच एंड ते कि उह कहिंदा है कि मैं तां कायर सी, पर जिहड़ा मेरा पुत्तर है उह बहुत ज़्यादा बहादुर है, ठीक है। उह अपने आप नूं की समझदा है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि काके का प्यो या कहानीकार अंत में अपने आप को की समझता है, बहादुर समझता है, कायर समझता है, जालम समझता है, या कोई भी नहीं। सो आंसर इज कायर, ठीक है, अपने आप को कायर समझता है, राइट।
ठीक है, या कहानी का अंत किस तरह का है? ठीक है, कहानी का अंत किस तरह का है? एनीवन? आशावादी है, निराशावादी है, दुख भरिया है या सुख भरिया है, किदां दा है? ठीक है, मान लो तुहानू क्वेश्चन आ गया कि कुल्फी कहानी का अंत किस तरह का है, हर्षसानी यस आशावादी रहना चाहिए और अपने हकों लिए हमेशा लड़ना चाहिए है। ठीक है, सार हो गया। हुण जे तुहानू बेटा तुहाडे टिप्स ते हर एक लाइन होएगी, हर एक डायलॉग होएगा, या कहानी दे विच कुछ कुछ डायलॉग्स भी सी ओ भी पूछे जा सकते हैं कि ये शब्द किसने किसनू कहे। ठीक है, हर एक चीज होएगी, तुहानू पूरी तरह नाल स्टोरी क्लियर होएगी, कहानीकार बारे पता होएगा, ते क्वेश्चन जितों मर्जी आ जाए तुसीं कर सकते हो। ठीक है, सो सब तो ज्यादा जरूरी है कि तुसीं जिन्ना भी सार है ओदे वाल ज्यादा फोकस करो। ठीक है, और कहानीकार दे फ्रंट ते लिखा हुंदा है इन्हां दा जन्म हो गया, माता पिता दा नाम है तां याद कर सकदे हो, नहीं है तां ठीक है याद करन दी लोड़ ही नहीं। उस तो बाद विच इन्हां दी रचनावां हो सकदियां ने, या देहांत कदों होया अगर लिखा होया है तां, ठीक है, या केड़ी कहानी नूं पुरस्कार मिलिया। ठीक है, ये सारियां चीजां आ सकदियां ने, राइटर बारे भी आ सकदा है। ठीक है, जिस तरह आप पहला किया, ओके। सो किसी का कोई डाउट हो तो मैं पूछ लो।